रोगत उसको अपना काम करना आता है। कतलोनियों का इस्तेमाल करके तुर्गुत को हासिल कर लिया, मुझसे लिया और हवाले कर दिया उस्मान के, और वो भी किसके मुकाबले में? जानते हो, पादरी ग्रेगोर के मुकाबले में। मेरा कोई अंदाजा आज तक गलत साबित हुआ है क्या? इतने अरसे से हम जिस पादरी के मतलाशी थे, कहां था वो? उस्मान के पास था वो, मैंने तो कहा था। कोसिस, तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं था, ऐसा ही है ना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम भी तुर्गुत को रोगा तो उस वाले मकसद के लिए ही इस्तेमाल करते, और इस तरह का भाव था वो मुझसे छुपा नहीं रह सकता था। ठीक कहा ना? मुझे तुम अपने आप से अलग मत समझो निकोला, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा ऐसा मत सोचना। सीजर और ब्रूटस, वो लोग भी एक ही तरफ थे कोसिस। हम पर शक तो वाकई दिल तोड़ देने वाली बात है निकोला। बस हमारा एक ही मकसद था कि मुझ पर हाथ उठाने वाले को सबक सिखाया जाए। इसके साथ साथ जिस तुर्गुत को आपने लड़ाई करके हासिल किया था, रुगत उसने उसे आपके सबसे बड़े दुश्मन उस्मान के हवाले कर दिया। यानी मेरे लिए पेश की गई आपकी तमाम तर कुर्बानियां बिल्कुल जाया हो गईं। रोगा तो उसका अमल इतना बड़ा है कि सजा दिए बगैर कोई रास्ता नहीं, और इसकी कीमत भी उतनी ही भारी होगी। उसे वो सबक सिखाऊंगा जो वो सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा।